बच्चों, नीरू, परी, राजू, डब्बू, मैं सुंदर सी तुम्हें कहानी सुनाने आ रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, राजू ना जंगल में शिप चराने के लिए जाता था। तो एक दिन क्या हुआ ना, खुद पेड़ पे बैठ जाता था और शिप को नीचे चुराने के लिए देता था घास खाने के लिए देता था। तो उसको शरत ही आई कि हम लोग गांव वालों को बुद्धू बनाते हैं। वुल्फ आया, वुल्फ आया, वुल्फ आया। तो गांव वाले आए और देखे कोई वुल्फ नहीं है। तो राजू बोला, ऐसे ही हंसने लगा कि मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया, बुद्धू बनाया, बोलो बुद्धू बनाया। तो फिर गांव वाले चले गए। फिर बोला वुल्फ आया, वुल्फ आया, वुल्फ आया। फिर गांव वाले आए, कोई वुल्फ आया नहीं। फिर एक दिन ना सच में वुल्फ आ गया। तो राजू की शीप ना सब खाए जा रहा था। तो राजू ने बोला, मेरे गांव वाले, गांव वाले, वुल्फ आया, वुल्फ आया, वुल्फ आया। तो गांव वाले सब लोग ने पूछा कि राजू तो हम लोग को ऐसे ही बुद्धू बनाता रहता है, तो हम वो लोग कभी नहीं आए। फिर राजू घर पे गया रोते रोते रात को। उसके बाद गांव वाले भी आए उसके साथ और उसके बाद बैठा घर पे। उसके बाद गांव वाले भी उसके घर पे बैठे। फिर राजू बोला, मेरे हाउस करने क्यों नहीं आए थे तुम? तो गांव वाले ने बोला, क्योंकि तुम हमेशा झूठ बोलते रहते हो, इसलिए हम नहीं आए। इसलिए बात है, अगर ऐसे बोलोगे तो गांव वाले कभी नहीं आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, नीरू, परी, राजू, डब्बू, मैं एक और सुंदर सी कहानी सुनाने वाली हूँ। एक कौवा था, एक स्क्वायरल थी। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तो कौवा ने देखा एक रोटी का टुकड़ा उसको मिल गया। तो वो उठाया रोटी का टुकड़ा और पेड़ पे जाके बैठ गया। तो स्क्वायरल को भी बहुत भूख लगी थी, उसको कहीं भी रोटी का टुकड़ा नहीं मिला। तो एक पेड़ पे कौवा बैठा था, उसको एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। तो स्क्वायरल बोली, कौवा भाई, कौवा भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। तो उसे पहले से ही पता था कि अगर मैं काव काव बोलूंगा ना तो मेरी रोटी गिर जाएगी, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला। इसलिए स्क्वायरल फिर बोली, कौवा भाई, कौवा भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। फिर भी कुछ नहीं बोला। अब स्क्वायरल बोले कि कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर बोली स्क्वायरल का, फिर बोली स्क्वायरल, कौवा भाई, कौवा भाई, आप तो बहुत अच्छा गाना गाते हो। उसने बात उसको फिर बोला, काव काव, काव काव, उसकी रोटी। जैसे ही काव काव बोला, उसकी रोटी नीचे गिर गई। तो स्क्वायरल उठा के फटाक से खा लिया। मैंने तो ऐसे ही बुद्धू बनाया था, खा लो, मैंने खा लिया तो मैं बुद्धू बना लिया। तो उस कौवे को तो बहुत भूख लगी थी। अब क्या करे, उस करल तो खा गई रोटी मेरी, तो क्या करे, हो गई कहानी खत्म। तो कौवे को उसने बेवकूफ बना दिया है ना। ये तो बहुत अच्छी स्टोरी थी, सुना मजा आ गया भाई। राजू को, नीरू को, और कौन है ये, परी है ना, और कौन कौन है, नीरू, परी, राजू, डब्बू। अरे बाप रे, कितनी अच्छी सुंदर तुम लोगों को स्टोरी सुनाई है ना। वेरी गुड सुहाना।